हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि हम किसी भी मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, दर्शन करने के बाद उनकी सीढ़ियों पे क्यों बैठना आवश्यक होता है, इसके पीछे का क्या है रहस्य, यह इस बारे में आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, और जो भी नए दर्शक जुड़े हैं हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें, मैं ऐसी वीडियो आके लाती रहती हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताती हूँ मंदिर की सीढ़ियों पर बैठना क्यों आवश्यक होता है, क्या है इसके पीछे का रहस्य। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जब भी किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएं, तो दर्शन करने के बाद बाहर आकर मंदिर की पैड़ी या अटले पर जरूर बैठें। क्या आप जानते हैं इस परंपरा का क्या है कारण? आज तो लोग मंदिर की पैड़ी पर बैठकर अपने घर के व्यापार की, राजनीति की चर्चा करते हैं, परंतु यह ग्रामीण परंपरा एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाई गई थी। वास्तव में मंदिर की पौड़ी यानी कि सीढ़ी पर बैठकर हमें एक श्लोक बोलना चाहिए। यह श्लोक आज के लोग भूल गए हैं, पर इस श्लोक को सुने और आने वाली पीढ़ी को भी इसे बताएं। यह श्लोक इस प्रकार है, अनायसेन मरणम बिना दयन जीवनम, देहांत तब सौनिध्यम देही में परमेश्वरम। इस श्लोक का अर्थ है, अनायसेन मरणम अर्थात बिना तकलीफ के हमारी मृत्यु हो, और जब हम कभी भी बीमार होकर बिस्तर पर पड़े तो कष्ट उठाकर मृत्यु को प्राप्त न हो, चलते फिरते ही हमारे प्राण निकल जाए। बिना दानयेन जीवनम अर्थात परवशता का जीवन न हो, मतलब हमें किसी के सहारे न पड़ना पड़े। जैसे कि लकवा हो जाने पर व्यक्ति दूसरों पर आश्रित हो जाता है, वैसे परवश या बेबश ना हो, ठाकुर जी की कृपा से बिना भीख के ही जीवन का बसर हो सके। देहांते तब सौनिध्यम अर्थात जब भी मृत्यु हो तब भगवान के सम्मुख हो। जैसे कि भीष्म पितामह की मृत्यु के समय स्वयं ठाकुर जी उनके मुख में जाकर खड़े हो गए थे, उनके दर्शन करते हुए प्राण निकले। देही में परमेश्वरम, हे परमेश्वर ऐसा वरदान हमें देना, यह प्रार्थना करें। गाड़ी लाड़ी लड़का लड़की पति पत्नी धन धान यह नहीं मांगना चाहिए, यह तो भगवान आपकी पात्रता के हिसाब से खुद आपको देते हैं। इसलिए दर्शन करने के बाद बैठकर यह प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। यह प्रार्थना या याचना नहीं, याचना सांसारिक प्रार्थनाओं के लिए होती है, जैसे कि घर व्यापार नौकरी पुत्र पुत्री सांसारिक सुख धन या अन्य बातों के लिए जो मांग की जाती है वह याचना है, वह भीख है। हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना का विशेष अर्थ होता है विशिष्ट श्रेष्ठ अर्थना अर्थ निवेदन। ठाकुर जी से प्रार्थना करें, और प्रार्थना क्या करना चाहिए यह श्लोक बोलना है। जब हम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो खुली आंखों से भगवान को देखना चाहिए, निहारना चाहिए, उनके दर्शन करना चाहिए। कुछ लोग वहां आंखें बंद करके खड़े हो जाते हैं। आंखें बंद क्यों करना, हम तो दर्शन करने आए हैं भगवान के स्वरूप का, श्री चरणों का, मुखारविंद का, श्रृंगार का, संपूर्ण आनंद ले, आँख में भर ले स्वरूप को, दर्शन करें। और दर्शन करने के बाद जब हम बाहर आकर बैठे तब नेत्र बंद करके जो दर्शन किए हैं उस स्वरूप का ध्यान करें। मंदिर में नेत्र नहीं बंद करना चाहिए। बाहर आने के बाद मंदिर की सीढ़ी पर बैठकर जब ठाकुर जी का ध्यान करें तब नेत्र बंद करें, और ठाकुर जी का स्वरूप ध्यान में नहीं आए तो दोबारा मंदिर में जाए और भगवान का दर्शन करें। नेत्र को बंद करने के पश्चात उपरोक्त श्लोक का पाठ करें। तो इस मंदिर में बैठने सीढ़ी की पर बैठने का ये था रहस्य। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो आगे भी शेयर करें, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों को पता चल सके कि मंदिर में दर्शन करने के बाद उनकी सीढ़ियों पर बैठना क्यों आवश्यक होता है, और इस श्लोक का सही अर्थ उन्हें भी पता चल सके। और आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें।